देखा है? यस सर। अगला सवाल देखो, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, इसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है 2 rho। द यूट्यूब शोन हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, द यूट्यूब शोन हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डेंसिटी, द यूट्यूब शोन हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लो, हैज लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 rho, इसके अंदर एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है 2 rho है। Now a volume AL of liquid A into L of liquid of density rho is poured in the left arm of U2 is poured in the left arm of U2. Find height of shift of liquid 2 rho. Find height of height of shift of liquid 2 rho, ठीक है। आपको क्या है, ये लिक्विड है, इसकी अभी इनिशियल लेंथ कितनी है L, ये भी कितना है L, दोनों बराबर लेवल पे होंगे, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ये ट्यूब जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल A है। तो इसके लेफ्ट आर्म में क्या कर रहा हूं मैं, ए इंटू एल वॉल्यूम का लिक्विड डाल रहा हूं जिसकी डेंसिटी रो है, उससे क्या होगा, शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आएगा। हाँ, इक्विलिब्रियम में होगा ना। तो शिफ्ट कितना आएगा, शिफ्ट ऑप्शन भी गिवन है आप लोगों को, एल बाई फोर ऑप्शन बी, 3L/4, L/2 एंड L/6, 3L/2 एंड ऑप्शन डी L/6। सी है, सी है, सी, हाँ, नहीं तो जरूरी नहीं है, मतलब सॉल्व कैसे किया आप लोगों ने, तुक्का मारा था, अच्छा तुक्का, वैसे ठीक है, बताता हूँ, गलत है वैसे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, मैंने मान लिया कि ये जो है ये x नीचे चला जाएगा, जब इसके ऊपर मैं लिक्विड डालूंगा
तो ये नीचे जाएगा, कितना नीचे चला जाएगा, एक्स। तो ये कितना यहां से रेज कर जाएगा, एक्स। ये लेवल कितना रेज कर जाएगा, एक्स रेज कर जाएगा। तो टोटल डिफरेंस कितना होगा, 2x। ठीक है, तो उसी को बना रहा हूं मैं यहां पे। मान लो ये यहां पर आ गया ये लिक्विड, और ये यहां तक रेज कर गया। ठीक है, तो ये पहले था इनिशियली, यहां से कितना रेज कर नीचे गया, ये x नीचे गया, तो ये उस लेवल से कितना ऊपर गया, x ऊपर गया। तो टोटल शिफ्ट कितना हो जाएगा, 2x। टोटल शिफ्ट कितना होगा, 2x। और इसके ऊपर लिक्विड भरा हुआ है कितना, एल, जिसकी डेंसिटी रो है ना, एल लेंथ इसकी। तो हमें 2x की वैल्यू निकालनी है। अब हमको प्रेशर को इक्वल करना है। ठीक है, यहां पे अलग लिक्विड है, ये 2 रो, और ये वाला लिक्विड अलग है। तो कहां पर प्रेशर को इक्वेट करें हम लोग, यहां कर ले क्या, इस लेवल पर? हाँ सर, इस लेवल पे जो प्रेशर है, इसके ऊपर तो ये वाला लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, और इसके ऊपर ये 2x लेंथ का लिक्विड का डेंसिटी का लिक्विड है जिसकी लेंथ 2x है। तो यहां पर प्रेशर को इक्वेट करता हूं। ठीक है, ये A पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट मान लो, क्या A और B पर प्रेशर बराबर होंगे? यस सर। प्रेशर एट A इज इक्वल टू होगा प्रेशर एट B। A पे प्रेशर क्या होगा, ओपन है ये, तो P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो G L। और B पे प्रेशर, B पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब रो की जगह क्या लूंगा, 2 रो G, और x की जगह, लेंथ की जगह क्या लूंगा, 2x। लेंथ की जगह क्या लूंगा, 2x। P नॉट से P नॉट कैंसिल, रो G L कैंसिल हो जाएंगे, x बराबर क्या आएगा, L बाई 4। कैलकुलेट कर लो, L बाई 4 आएगा। आया समझ में? यस। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ लेता विथ सेम इनिशियल कंडीशन, बी पार्ट है सी का, विथ सेम इनिशियल कंडीशन, जो पहले की कंडीशन दे रखी है वही है, विथ सेम इनिशियल कंडीशन एग्जिस्टिंग, विथ सेम इनिशियल कंडीशन एग्जिस्टिंग, व्हाट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड of density rho is poured in left arm so that kya ho, liquid of density 2 rho, so that liquid of density 2 rho is completely wiped out from horizontal arm. From horizontal arm, question समझ में आया? Yes sir. इसके ऊपर क्या कर रहे हो आप लोग? Liquid डालते जा रहे हो. तो ये नीचे आता जा रहा है level. ठीक है? Initially level ये था. आपने क्या करा? इसके ऊपर liquid डालना चालू करा.
मुझे क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है इससे बिल्कुल ही लिक्विड को गायब करना है, सारा लिक्विड इधर आ जाना चाहिए। Yes. तो मुझे कितना लिक्विड इस पे डालना पड़ेगा रो डेंसिटी का? ये जो लिक्विड है यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी एल है, ये भी ध्यान रखो, ये भी एल है। तो ये ऊपर चढ़ जाएगा तो एल प्लस एल प्लस एल, थ्री एल हो जाएगा। अब आधा मैंने बता दिया, आधा आप लोग करो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जब पूरा लिक्विड वाइप आउट हो जाएगा, वाइप क्या लिखा है, वाइप आउट, तो यहां पर आ जाए आला लिक्विड, हॉरिजॉन्टल से बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल एल एल, थ्री एल हो जाएगा। और मैंने मान लिया यहां पर इसकी डेंसिटी कितनी है, टू रो, और यहां पे मैंने लिक्विड फिल करा, ठीक है, तो उसका डार्क बना दो, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। तो यहां पे मैंने मान लिया ये एच हाइट तक, तो देखो ये वाला पॉइंट ए पॉइंट और इधर बी पॉइंट, यहां पर दोनों में प्रेशर बराबर होगा। यस सर, यस सर, प्रेशर एट ए इक्वल टू होगा प्रेशर एट बी। तो ए पर प्रेशर रो, यहां पर डेंसिटी क्योंकि रो है, रो जी इंटू एच, यहां पर हो जाएगा टू रो जी और एच की जगह थ्री एल, रो रो कैंसिल, ठीक है। पी नॉट कट जाएंगे, वो मैं लिख नहीं रहा डायरेक्टली, पी नॉट कट जाएंगे, ठीक है। जी से जी कैंसिल, जी से जी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, एच इक्वल टू आएगा सिक्स एल। तो हाइट सिक्स एल आई, इसका मतलब लिक्विड सिक्स एल नहीं चाहिए, इतना लिक्विड भी तो चाहिए आपको, ये भी तो चाहिए। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल कितनी लेंथ चाहिए, सेवन एल, एच इक्वल टू सिक्स एल आया प्लस ये एल, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड वॉल्यूम सिक्स ए एल प्लस ए एल, ए एल इसका नीचे वाले का भी चाहिए, हो जाएगा सेवन ए एल। समझ गए? यस सर। चलो नोट कर लो इसको। मैंने इसने, अब आता है इसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट, नाम सुना है कभी? यस, हाइड्रोलिक लिफ्ट अभी तक नहीं सुना। अरे आपने जेसीबी मशीन देखी है? यस सर, कई बार। हाँ, जेसीबी की खुदाई देखे हैं सर? जेसीबी की खुदाई देखते रहते हो आप लोग? सर सब देखा होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर सर, हर जगह होता ही रहता है। यहाँ कोटा में तो खूब हो रहा है अभी। सर मेरे यहाँ भी हो रहा है खूब। स्मार्ट सिटी बना रहे कोटा को, स्मार्ट सिटी। सर हमारे यहाँ तो नाले बना रहे, नाली बना रहे, यहाँ तो फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, पूरा खोद दिया सब। वही तो, जेसीबी मशीन इतना भारी लोड कैसे उठा लेती है? वो जेसीबी जो है उसमें इतनी पावर कैसे होती है? तो उसका कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। तो आप लिखो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, मोर लोड इज लिफ्टेड बाय
अप्लाइंग लेसर फोर्स, कम फोर्स लगा के भी हम लोग ज्यादा लोड उठा सकते हैं। मैं एक न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और एक न्यूटन के फोर्स से मैं 10 न्यूटन का फोर्स उठा सकता हूं। कैसे वर्क करता है वो देखो। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस तरह के दो कंटेनर ले लिए, दोनों कंटेनर का एरिया अलग अलग और दोनों कंटेनर आपस में कनेक्ट होते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 ले लो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 ले लो। क्लियरली आपको दिख रहा है A2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा A1 से, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे पिस्टन लगा होता है, पिस्टन जानते हो क्या होता है? Yes, sir. पिस्टन जो साइकिल का पंप होता है ना, पिस्टन से पंप, उसे पिस्टन बोलते हैं। और यहां पर पिस्टन, और यहां पर क्या होता है आपका लिक्विड भरा होता है, कुछ भी हो सकता है, ये जनरली उसमें ऑयल होता है, आप वाटर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वाटर वगैरह से क्या है इसमें थोड़ा सा जंग वगैरह का खतरा होता है, इसलिए इसको नहीं लगाते हम लोग, ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो यहां पर सेम लेवल पे क्या सेम प्रेशर होगा? Yes, सेम लेवल पर सेम प्रेशर होगा। यस सर। ठीक है, यहां पर जो भी लोड है, मान लो ये लोड रख दिया मैंने जिसका मास है कितना 200 kg, इस पॉइंट को मैंने बोला ए पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने बोला बी पॉइंट, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू होगा प्रेशर एट बी, इसके ऊपर की हाइट मैंने ले ली H1। तो देखो ए पे जो प्रेशर होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पिस्टन का मास कंसिडर नहीं कर रहा अभी मैं, रो जी, अच्छा इस पे फोर्स लग रहा है, ऊपर से हम लोग इस पे फोर्स लगा रहा है एफ, इसको प्रेस कर रहा हूं मैं एफ फोर्स से, तो रो जी H1 प्लस इसका प्रेशर भी काउंट होगा, ये जो फोर्स लगा रहा है तो इसका प्रेशर कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया F by A1, ये बराबर होगा किसके, यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस 200 g डिवाइडेड बाय A2, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, देखो फोर्स अपॉन एरिया 1 इक्वल टू होगा 200 g बाय A2 माइनस रो जी H1। तो यहां से पर देखो 200 g आपका कांस्टेंट है, एरिया आपका कांस्टेंट रहेगा रो जी H1 जो हाइट है, अगर मैं जितना इसको एरिया को जितना कम करूंगा ये सारी चीजें क्या होगी, कांस्टेंट होगी, एरिया को जितना कम करूंगा मुझे उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि 200 g बाय A2 माइनस रो जी H1 ये कांस्टेंट टर्म्स आ रही है। ठीक है, ऐसे नहीं समझोगे आप लोग, इसको नोट कर लो एक बार। A2 तो आपको कांस्टेंट है, A2 इसका एरिया ना, इसका एरिया कांस्टेंट ले लिया, अब मैं इसके एरिया को जितना कम करूंगा उतना ही कम फोर्स लगेगा,
एच वन तो लिक्विड का लेवल है, नोट कर लिया ये। तो सिंपल भाषा में समझो, सिंपल लैंग्वेज में, जैसे लिक्विड है इधर, कंटेनर ले लिया हमने, यहां पे फोर्स लग रहा है F1, इसका एरिया है A1, यहां पे फोर्स लग रहा है F2, इसका एरिया है A2, दोनों का प्रेशर अगर बराबर है, दोनों तरफ क्या होगा, प्रेशर बराबर होगा, तो P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2 होगा, तो यहां से आएगा आपका P1 बराबर F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। ठीक है, तो एरिया देखो F2 अपॉन A2 मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स, F1 अपॉन A1 का जो रेशियो होगा वो F2 अपॉन A2 के बराबर होगा, एरिया कम करोगे फोर्स कम होगा, जितना ज्यादा एरिया कम करते जाओगे उतना ही फोर्स कम लगाना पड़ेगा आप लोगों को। लेसर फोर्स F1 कैन बैलेंस कैन बैलेंस लार्जर फोर्स F2। प्रेशर सेम होता है, फोर्स वेरी कर सकता है। आया कुछ समझ में? सेम लेवल पर है, इसमें लिक्विड जो भी है रो लिक्विड है सेम लेवल पर है, यहाँ पे मैं फोर्स लगाया मैंने F1 और यहाँ पे किसी चीज को मैंने बैलेंस किया, मास वगैरह को, कार वगैरह रख दी इसके ऊपर, ठीक है, उसको मैं लिफ्ट करना चाहता हूँ या बैलेंस करना चाहता हूँ, तो दोनों पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा P1 P2। यस सर। ठीक है, दोनों पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा, P1 पे प्रेशर कितना होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो P1 बराबर P0 प्लस फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू पी नॉट प्लस एफ टू अपॉन ए टू। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, एफ वन इक्वल टू आएगा एफ टू ए वन अपॉन ए टू, एंड यू नो दैट ए वन जो है वो स्मॉलर है ए टू से, तो जो एफ वन की वैल्यू आएगी वो एफ टू से स्मॉलर आएगी, मतलब आप कम फोर्स लगा रहे हो एफ टू के कंपेरिजन में, फिर भी आप उसको बैलेंस कर पा रहे हो। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। चलो हो गया ये। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसा करते हैं आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जाम्पल बता देता हूं। मान लो मुझे एक कार उठानी है, इस कार का मास है कितना होता है, मास कार का 200 केजी, इससे भी ज्यादा होता है वैसे तो, नैनो कार ले लेते हैं हम लोग, और यहां पर सेम लेवल पे ले लिया मैंने, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, इसका एरिया ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो मुझे कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू बैलेंस दिस, इसको बैलेंस करने में। इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम
5F. F कितना होगा? तो यहां पे प्रेशर इक्वल टू यहां पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले ही नहीं रहा मैं, ठीक है, कट जाएगा वो. F डिवाइडेड बाय एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 4 होगा, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो यहां पे कितना 200 जी की वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया 1. एफ आ जाएगा आपका 2000 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 3. एफ इक्वल टू आएगा आपका 2 न्यूटन आएगा. तो आपको 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे और आप 2000 न्यूटन का की कार को बैलेंस करोगे. सिर्फ 2 न्यूटन के फोर्स से आप 2000 के न्यूटन के कार को बैलेंस करोगे, सिर्फ एरिया को चेंज करके. आया को समझ में? यस सर. यस सर. ठीक है, इसका प्रैक्टिकल वगैरह भी होता है, बच्चे करते हैं स्कूल वगैरह में, जो सीरीज वगैरह होती है ना, सीरीज देखी आप लोगों ने? यस सर. सर वो जेसीबी ट्रक बनाते हैं. एक सीरीज तो लगती है जो इंसानों के लगती है, एक सीरीज जो होती है जो जानवरों के लगती है. सर पानी होता है उसमें. जानवरों वाली सुई देखी है आपने, सीरीज मोटी सी होती है. यस सर देखी है. ठीक है, दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दो. सॉरी गलत बना दिया. फिर यहां पर इसको पिस्टन को पुश करोगे, आपको लेस फोर्स लगाना पड़ेगा और यहां पे पिस्टन से आप कुछ यहां से इसको प्रेस करो, ये मूव करेगा फिर. ठीक है, लेकिन यहां पर आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा. यहां पर आप इसको प्रेस करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करवाने में. यस सर. अच्छा, बीच में लिक्विड भरना है, खाली मत रखना. हाँ सर. इसके अंदर लिक्विड होना चाहिए, बीच में वाटर वगैरह डाल सकते हो. यस सर. सर वाटर के जगह सॉल्ट डाल दिया तो हो गया टाइम. हम्म, वाटर के जगह कुछ और डाल दिया तो